हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, पी एल स्किल फॉर बिगिनर्स के फिफ्थ वीडियो में आपका सभी का वेलकम करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और रिंग बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जिससे फ्यूचर वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो है हमारा सिलेक्ट इनटू पर। सिलेक्ट इनटू एक्चुअल में क्या है? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा वेरिएबल एंकर। तो जनरली वेरिएबल एंकर्स में हम लोग जो भी वेरिएबल बना रहे हैं या फिर वेरिएबल जो भी डिक्लेयर्स करते हैं हम लोग पी एल एसक्यूएल में, उन वेरिएबल्स को हम लोगों को डेटाबेस के कॉलम्स, जो टेबल में कॉलम्स रहती उसके लिए यूज़ करना पड़ता है। तो उस टाइम पर हम लोगों की उसकी वैल्यूज जो है वो उसमें आने के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ को हम लोगों को वेरिएबल्स में यूज़ करने के लिए सिलेक्ट इनटू ये जो है स्टेटमेंट यूज़ होता है। तो चलिए बढ़ते आगे। तो सिलेक्ट इनटू ये जनरली क्या होता है कि वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ होता है वेरिएबल्स को। तो कौन सी वैल्यूज़? जो वैल्यूज़ हमारी उस पर्टिकुलर टेबल में है और उस पर्टिकुलर टेबल के लिए हम लोग कुछ कॉलम्स के लिए यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो जनरली इसका जो पार्ट है सिलेक्ट इनटू का, ये हम लोगों को अवॉइड नहीं करना है या फिर मिस नहीं करना है पी एल एसक्यूएल प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे अगर हम उसको डिक्लेयर करते हैं बट डेटाबेस की वैल्यूज़ के लिए उसको यूज़ ही नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि सिलेक्ट इनटू ये हमको यूज़ करना ही है। ठीक है, इसका हम लोग छोटा सा सिंटैक्स देख लेंगे और बाद में समझेंगे कि क्या है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग एंकर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। बस वो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है उसको ये बिगिन सेक्शन में सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज़ करना है। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं? तो सिलेक्ट क्या करना है हमको? हमारे पर्टिकुलर डेटाबेस में जो टेबल्स है उनमें के कॉलम्स को, तो कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम लोग पी एल एस के कोड लिख रहे हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स वहाँ पर यूज़ करो, और इनटू कीवर्ड यूज़ करना है उन कॉलम की वैल्यूज़ को जो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उसमें वैल्यूज़ लाके स्टोर करो। जैसे ही वैल्यू स्टोर हो गई तो बाद में आगे का काम हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं, राइट? अगर हमको आगे कंडीशंस लगानी है लाइक वेयर क्लॉज है या फिर ऑर्डर बाय है, ग्रुप बाय, तो जो भी हमको यहाँ पर कंडीशंस है वो कंडीशंस हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं हमारे इस पीएल स्केल ब्लॉक में आगे। ठीक है, चलिए हम लोग कंपाइलर ऑन करके इसका पर्पस समझते हैं और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मेरे सामने एक दिख रहा है टेबल EMP, इसमें चार कॉलम्स हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर तो वेरिएबल्स बना लेता हूँ जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ई नेम, शॉर्ट कर लेते थोड़ा सा, हम लोग एंकर वेरिएबल यूज़ करेंगे। सो EMP नेम और परसेंट टाइप, ठीक है। मैं दूसरा कॉलम ले लेता हूँ सैलरी, EMP सैल परसेंट टाइप, ठीक है। ये मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए। अब बिगिन सेक्शन में जाना है। अब बिगिन सेक्शन में जाने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि सिलेक्ट इनटू ये यूज़ करना है। तो सिलेक्ट क्या करना है? तो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए तो हमने दो कॉलम्स ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और उसके हिसाब से हमको आगे काम करना पड़ेगा। तो मैंने दो कॉलम्स के लिए यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए, तो कॉलम है नेम और दूसरी कॉलम है सेल, और इन कॉलम की वैल्यूज़ को हमको वेरिएबल्स में सेव करनी है या फिर स्टोर करनी है या फिर बोला जाए तो हमको असाइन करनी है। तो इन टू जो हमने यहाँ वेरिएबल्स बनाए हैं वो वेरिएबल्स के नेम ई ने वी नेम और दूसरा है एन अंडरस्कोर सेल, ठीक है। और बाद में बताना है कि फ्रॉम कौन सा टेबल। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला वेयर आई डी इज इक्वल्स टू 3, देन एंटर टी बी एम एस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, और बाद में हमको क्या करना है कि जो ये हमने नेम लिया है उस नेम को प्रिंट करना है, ठीक है। और साथ ही में जो हम यहाँ सैलरी देख रहे हैं उस सैलरी को प्रिंट करना है,
तो जिससे हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे वैल्यूज जो है वो असाइन हुए हैं कि नहीं हुए। मैंने फिर से यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, ई नेम चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ एरर आएगा डेफिनेटली हमको, एंड स्लैश। यस, मैंने जैसा बोला था कि एरर आएगा तो एरर आया है। मैं फिर से वो ब्लॉक कोड जो था मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ करेक्शन करके। तो डिक्लेयर वेरिएबल्स बनाए दो, बिगिन सेक्शन में जाके हमने सिलेक्ट इनटू यूज़ किया ID 3 के लिए, और उसके बाद में ई नेम हमारा वेरिएबल का नाम, दूसरा है सेल, इन दोनों को हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सैम और 3500, मतलब जो एम्प्लॉय का ID 3 है उसका नाम और उसकी सैलरी बताओ। तो इस वे में हम लोगों ने नाम और सैलरी यूज़ की, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ पर ऐसा बोला गया कि ये सारी की सारी वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि डिक्लेयर वेरिएबल बनाया, बिगिन सेक्शन में गए, हमने कोई कंडीशन नहीं दी, ठीक है। बाद में हम लोग हमारा जो DBMS आउटपुट वाला पार्ट था वो, एंड स्लैश। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आप सोचोगे कि जितने भी वैल्यूज है वो वैल्यूज आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा SQL और PL SQL एक ऐसा काम करता है, ये एक एक रो पर, मतलब एक एक रिकॉर्ड पे काम करता है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो उसको बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, तो उस टाइम पर वो एरर जनरेट करेगा। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स अगर हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करने, मतलब एक लाइन एक रिकॉर्ड ऐसा चलता है यहाँ पर काम, तो यहाँ हमको एरर मिलेगी। तो उसको अगर परफॉर्म करना है तो फॉर दैट हमको लूप यूज़ करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ एंटर करूँगा तो डेफिनेटली एरर आएगा। यस, एग्जैक्ट फेच रिटर्न्स मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज। इसका मीनिंग यही है कि हम लोग एट अ टाइम पूरी वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। अगर वो करना है तो हम उसके टाइम पर फॉर लूप या फिर जो भी लूप फैसिलिटीज PL SQL प्रोवाइड करता है हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम लूप चलाएंगे तो अलग अलग इटरेशंस के लिए वैल्यूज असाइन होती जाएगी और एक एक रिकॉर्ड क्रिएट होते जाएगा। तो PL SQL का जब हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट देखेंगे उस टाइम पर हम लोग ये वाला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे कि एक से ज़्यादा वैल्यूज अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो वो कैसे यहाँ पर आएगी, ठीक है। सो टिल देन आपको इतना ही समझना है कि कोई वेरिएबल्स अगर हम बना रहे हैं तो उस वेरिएबल में डेटाबेस के टेबल की वैल्यूज को ला के स्टोर कैसे करना है और उसके ऊपर जो भी काम करना है हम लोग वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे, और रिंग बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। सो गुड बाय गाइज़।